आज हम लोग की टीम जा रही थी मनीषा रानी के घर, बिग बॉस से निकलने के बाद मनीषा रानी के घर हम लोग जा रहे हैं, और ये हमारे ताबिज भाई भी हमारे साथ हैं। और पता नहीं मतलब अभी हम लोग के शहर में पता चला कि मतलब एक होटल है उसमें मनीषा रानी आने वाली है, तो उस होटल में हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, और हमारे जो प्रियम दोस्त ताबिज भाई वो गाड़ी ख़राब करके बैठ गए हैं। जब भी हम लोग को जाना होता है ना तो पहले वो गाड़ी ख़राब कर लेते हैं, मतलब पता नहीं क्या उनका सेक्टर है, मतलब कुछ समझ नहीं आता। लेकिन चलो देखते हैं, पहुँचते हैं, क्या ये न्यूज सही है या गलत, तो आगे देखते हैं। इस भाई हमारे जो हैं आगे बढ़ चुके हैं बातें करते करते, और मैं भी दौड़ते दौड़ते जा रहा हूँ। आज लग रहा है कि पैदल ही जाना पड़ेगा, लेकिन हम पहुँच जाएंगे, हम लोग कोई टेंशन की बात नहीं है, और हालत ख़राब है। लोग दौड़ते दौड़ते पहुँच रहे हैं, पहुँच जाएंगे जल्दी जल्दी। देखो ये लड़का, ये देखो ताबिज भाई के स्कूटी, सब कहा नहीं जब ही निकला था लड़का स्कूटी ये खराब हो जाती थी। ये देखो यहाँ बैठा है, ये हाईवे पे देखो फंस गए हम लोग। एक बार पेट्रोल पंप, एक बार हाईवे। ताबिज भाई आपको कैसा, मतलब गुड फीलिंग हो रही है, अच्छी फीलिंग हो रही है जी? मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है, जाओ मारा हो। स्टार्ट ताबिज भाई की मेहनत से गाड़ी स्टार्ट हुई है, सिर्फ ताबिज भाई की मेहनत से। क्या बात है। अभी हम लोग बाहर निकलने वाले थे और बारिश हो रही है, आज का प्लान कैंसिल ही है क्योंकि हम लोग एक जगह फंसने के बाद ये होटल में आए, और फिर यहाँ पे बारिश हो रही है, देख रहे हो पूरा सड़क नीचे देख रहे हो, भीग रही है। अब इसके आगे तो जाना पॉसिबल नहीं है, पार्ट टू में आपसे मुलाकात होगी। इससे आगे जाना पॉसिबल नहीं है पार्ट टू में मुलाकात होगी। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होगी, और ये देखो बारिश हो रही है, हम लोग घर जाएंगे, खेल ख़त्म। छोटा सा वीडियो, छोटा सा सब्सक्राइब, छोटा सा लाइक।